नमस्ते, आप सभी का हीलिंग एमएनडी इंडिया 17 जुलाई 2021 के जूम सेशन में स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया 17 जुलाई सेशन जूम सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सेशन अबाउट मार्क मैनचेस्टर। इज आज हम मार्क मैनचेस्टर का पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, उन्होंने अपनी तबीयत कैसे ठीक की। I'm sharing the screen. हीलिंग एमएनडी इंडिया में किसी को भी ज्वाइन होना हो तो ये उनका ईमेल आईडी है, healingmnd@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे अपना नाम पता, अपने पेशेंट का नाम, अपना कभी डायग्नोसिस हुआ उसका डिटेल और आपका रिपोर्ट ईमेल कीजिए, हम आपको वेरीफाई करके हीलिंग एमएनडी इंडिया में जुड़वा देंगे। ये टोटली निःशुल्क है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है जुड़ने के लिए। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हीलिंग एमएनडी इंडिया प्लीज सेंड एन ईमेल ऑन द फॉलोइंग ईमेल आईडी healingmnd@gmail.com। देयर इज नो चार्ज टू जॉइन बट यू विल हैव टू सेंड एन ईमेल विद योर नेम, योर एड्रेस, योर कॉन्टेक्ट नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर। आपको सिम्टम्स कब स्टार्ट हुए, आप कब डायग्नोज हुए, आपका करंट व्हाट इज योर करंट सिचुएशन और आपके रिपोर्ट्स। आफ्टर डूइंग प्रॉपर वेरिफिकेशन वील एड यू टू द हीलिंग एमएनडी इंडिया ग्रुप। Please understand that our group is totally about positivity, how to heal ourselves and live a better quality, live a better and a quality life. This is a disclaimer from Healing MND India. You need to take professional medical advice or you need to consult a proper medical practitioner before acting upon any of the details given in the video presentation or any of the comments. ये अस्वीकरण डिस्क्लेमर है, आपको अपने डॉक्टर के सलाह सूचन लेने के बाद ही आगे बढ़ना है। इस पे कोई भी टिप्पणियां, किसी के भी विचार या उस पे ध्यान रखे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। No animals were harmed in the making of this video or film. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. And no plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Thank you. I am going to say this every time. आज हम मार्क मैनचेस्टर के बारे में बात करेंगे। मार्क मैनचेस्टर वो बंदा था जिनको वो फीडिंग ट्यूब भी लगा था और उनको टेगोस्टोमी भी हुआ था, सांस लेने में भी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय करके अपनी बीमारियों को रिवर्स किया।
कोई थम्स अप देंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन शेयर प्रेजेंटेशन दिख रहा है किसी को? ओके, थैंक यू विनीता जी। ये मार्क मैनचेस्टर और उनकी वाइफ लीजा मैनचेस्टर है। हम आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में ही उसका मार्क मैनचेस्टर का पूरा प्रोटोकॉल देखेंगे। ये मार्क मैनचेस्टर है, आई थिंक 2019 में उन्होंने ये फोटो निकाला था। ये बहुत बड़े माउंटेन पे गड़े हैं। प्लीज डू योर ओन रिसर्च, प्लीज अंडरस्टैंड दैट किलिंग एमएनडी और एएलएस इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। मतलब रुको, जरा सबर करो, अपनी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ज्यादा घाई मत करो। अभी मार्क मैनचेस्टर कैसे अपना ये तबीयत ठीक कर रहे हैं? हीलिंग योर माइंड इज एज इम्पोर्टेंट एज योर बॉडी। बॉडी का वाइन निकल दिए। Healing your mind is very very important. इसका मतलब ये है कि meditation mind को शांत करना बहुत ही important है। Diet supplements and detox work 10% 10 times better with you in a parasympathetic state. आपने सुना होगा, अपने हमारे ग्रुप में हरिंदर जी है, वो भी बोलते रहते पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। मैं भी लोगों को बोलता है वो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करो। अभी आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं तो यहाँ पे पढ़ो। सर क्यों नहीं, क्यों भी बोला मेडिटेशन करना जरूरी है? टोनी एम्बर भी बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया, और यहाँ पे मार्क मैनचेस्टर भी वही बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, खुद चालू करो मेडिटेशन। लोगों को पूछो मत आपने 2 घंटा किया, आपने आधा घंटा किया, आपने 15 मिनट किया, आपने मेडिटेशन किया तो आपको क्या फायदा हुआ? इसका जवाब हमेशा डिफरेंट ही आएगा। Enjoy a balanced life. Research ALS. इसको टाइम लगता है हील लेने में, हील होने में। एमएनडी को भी टाइम लगता है। Have fun, enjoy friends, family, nice days, outings if you can. लोगों से मदद लो, लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। अगर आपको जरूरत है तो लोगों से मदद मांगो, फैमिली से, फ्रेंड से, नेबर से। जब जरूरत हो तभी मदद मांगना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द एवरी डे। Again, I will repeat everyone, healing your mind is very important as you are healing your body. Diet supplements and detox work 10 times better
When you are in a parasympathetic, calm, relaxed, and no stress state. Everyone, enjoy your life while you are healing. Oh, ये मेरी फ्रेंड है गैबी, उनकी मदर है जो आपको वाइड वाइड हेयर में दिख रही है, उनकी मदर है अनीता। अनीता को MNDALS हुआ है और उनकी बेटी जो राइट साइड में खड़ी है गैबी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड शी इज अ वेरी बिग वॉलंटियर ऑफ हीलिंग ALS। वो वहाँ पे US में हीरोइन है, मॉडल है, वो मूवी में काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। और अभी आप पढ़ेंगे वो एक्ट्रेस है, उन्होंने HBO में भी काम किया है। तो थैंक यू गैबी फॉर ऑल यू हैव डन एंड कीप अप द सपोर्ट टू द ALS कम्युनिटी। हम जो वॉलंटियर्स का नाम है, ये पेट्रिशिया और स्कॉट है राइट साइड पे, और उनका मीटिंग हुआ था फिनिक्स एरिजोना में, उनका डिटेल है। ये मार्क मैनचेस्टर की पूरी स्टोरी आपको ब्लॉग में मिल जाएगी, आज हम संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा ही ये वीडियो को खींचता हूँ, तो लोगों का सुन के मैं अभी शॉर्ट में खत्म करूंगा। मार्क वॉज डायग्नोज इन 2011 इन अ व्हीलचेयर, बाय द एंड ऑफ 2012 के एंड में वो व्हीलचेयर पे आ गए थे। स्प्रिंग 2013 में उनको फीडिंग ट्यूब लग गया था, जो फीडिंग खाने की नली होती है वो लग गया था। उनको ब्रीदिंग असिस्टेंस की जरूरत पड़ी 2013 में, जैसे कि बाईपैप होता है उसकी। 2013 से 2015 तक उनका ब्रीदिंग और भी खराब होने लगा। 2015 में उन्होंने ट्रेकोस्टोमी कराई, मतलब वो ये बाईपैप से अपना ब्रीदिंग कर सके उसके लिए। 2015-2018 से अनेबल टू मूव ब्रीथ ईट और स्पीक। 2015 से 2018 में वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे, सांस भी लेने में तकलीफ थी, खाना भी नहीं खा पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। 2018 में उन्होंने हीलिंग चालू किया। 2019-2020 में वॉकिंग, ब्रीदिंग, ईटिंग एंड स्पीकिंग चालू हो गया उनका। ये मार्ग है, पहले वाला फोटो मार्ग का, ये वाला। और अभी ये मार्ग जो गए 2019 या 2020 में उन्होंने बैटिया और स्कॉट के साथ फोटो निकाला। आप देख सकते हैं कि रोप वे है, रोप वे के उधर वो फोटो निकाल रहे हैं, मतलब कोई पहाड़ पे है। ये मार्ग मार्ग का वीडियो है, दो हजार ग्यारह और 2012 में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, एक महीने में 5 दिन, पूरा साल चला, NP001 और WF110।
उनको टेम्पररी कुछ मदद मिली, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन बहुत खराब हुआ। मतलब ये भी है कि क्लिनिकल ट्रायल में आपको तकलीफ बढ़ भी सकती है। पहले वो लोग अपने पास सब कुछ साइन करवाते हैं और उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल में अपने को एक्सेप्ट करते हैं। अगर क्लिनिकल ट्रायल में कुछ हो भी गया, खुदा ना खास्ता कुछ, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो बहुत ध्यान रखना, अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर नॉट ऑलवेज गुड। न्यूडेक्सट्रा ट्रायल फॉर बीबी सूडो बल्बर इफेक्ट एंड स्वॉलोइंग, थ्री एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यू कैन बाय। ये न्यूडेक्सट्रा का ट्रायल भी हुआ था, उसमें भी पार्ट लिया था। जीडी क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनकेफेलोपैथी लेस, बट उनको जीडी अभी भी है। जो भी वर्ड आपको लगे बहुत भारी है, उसको गूगल गूगल कर देना, ग्रुप में मत डालना। अगर गूगल में आंसर मिले तो ग्रुप में डालना। फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड पूल थेरेपी। ये पूल थेरेपी नया है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को लगता है स्विमिंग पूल में जाके नहाना होगा। टुक रिल्यूजॉल टेम्पररीली, स्किन वॉज येलो, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड। रिल्यूडोर के बारे में लिखा है, उन्होंने रिल्यूडोर लिया था, उनकी स्किन येलो हो गई और लिवर के एंजाइम बढ़ गए हैं। बाद में ट्रेकोस्टोमी हो गया, तो लीजा के कंसर्न, तो लीजा बहुत चिंतित थी कि तेरा लिवर डैमेज हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो ट्रेकोस्टोमी करवा दिया। हाँ, सेम को रिपीट किया हुआ है। एक क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने बहुत हजारों डॉलर खर्च किए। सबूत सेम है। 2011 में डायग्नोज हुए, 2012 में रेस्पिरेटरी इश्यू हुआ, 2013 में फीडिंग ट्यूब और 2015 में टेकोस्टोमी लगाया। 2014 में उन्होंने नेचुरोपैथ को मिले लीजा के साथ और होलिस्टिक प्रोटोकॉल चालू किए। होलिस्टिक हीलिंग मतलब जिसमें एलोपैथी नहीं होता है, वो सब होलिस्टिक हीलिंग होते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ऑल दीज आर काइंड ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। बट द बेस्ट इज यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल फूड प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे टू गो होलिस्टिक। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। टेस्टिंग एंड काइनेसियोलॉजी एंड फोकस बेस्ड ऑन गट गट अपना गट हेल्थ, अपनी आदतों की तबीयत को पहले बहुत ध्यान रखना है। विच स्टार्ट इम्प्रूविंग अवर गट हेल्थ, अपना गट हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। स्टार्टर प्लान, बेसिक सप्लीमेंट से चालू किया, स्टार्टेड शेक्स कंटिन्यूड, उन्होंने पीडीओडी, एसडी और रेस्पिरेटरी थेरेपी ऑन रखे। मार्क का हैप्पीनेस का प्रोटोकॉल है, फ्रॉम डायग्नोसिस वर्स्ट फ्यू मंथ्स डाउन एंड डाउन। पहले कुछ महीने उनके डाउन जा रहे थे क्योंकि बहुत डिप्रेशन में रहते थे, और फिर उनको लगा कि वो डिप्रेशन से ही पहले मर जाएंगे, और उन्होंने प्रे करना चालू किया और एटीट्यूड को चेंज किया एंड दूसरों को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो।
नेगेटिव लोगों से दूर रहना शुरू किया। ये एक टॉक्सिक पीपल भी होते हैं हमारे लाइफ में, टॉक्सिक पीपल। जैसे कोई बहू होती है तो उनके लिए सास ससुर टॉक्सिक होते हैं, कोई सास ससुर होते हैं तो उनके लिए बहू टॉक्सिक होती है, कोई हस्बैंड होता है तो उनके लिए वाइफ टॉक्सिक होती है, कोई वाइफ होती है उनके लिए हस्बैंड टॉक्सिक होता है, किसी के बच्चे टॉक्सिक होते हैं, किसी के अपने रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं। भाई वो जो गॉसिपिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे और फोन पे, हजारों घंटे बातें करते रहते हैं, अरे तेला वाला ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है, वो सब। तो बहुत इम्पोर्टेंट है गॉसिपिंग से दूर रहो, टॉक्सिक पीपल से दूर रहो, अपने दुनिया में खुश रहो, मजे करो, एंजॉय करो लाइफ। बॉड इन्वॉल्व एयर एसोसिएशन एंड टीम ग्रीस है। आप म्यूट करेंगे? हेलो, सर आप म्यूट करेंगे सर? वो अगर चल भी नहीं पाते थे तो वो अपनी व्हीलचेयर पे अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल देखने, फुटबॉल देखने, बेसबॉल और कॉन्सर्ट देखने जाते थे। मतलब आपको अपनी लाइफ अपने घर में सीमित नहीं रखनी है, आपको जो पसंद हो वो सब करना है। वो लाइफ जी रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है। लाइफ जीना और लाइफ को सहन करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने को लाइफ में जीना आना चाहिए। इवन स्पेंड वन टाइम विद फैमिली, वेंट ऑन फेसबुक, रिकनेक्टेड विद लीजा, स्टार्टेड डेटिंग। वाव, बहुत बढ़िया है। अपनी वाइफ से रिकनेक्ट किया और डेटिंग चालू किया। फिर मार्क मैनचेस्टर ने मैनचेस्टर प्रोजेक्ट चालू किया और मार्क्स मैडनेस चालू किया। मैनचेस्टर प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया दूसरों को हेल्प करने के लिए, और मार्क मैडनेस उन्होंने चालू किया खुद को फंडिंग करने के लिए। मार्क का अडेप्टिव थिंकिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विन विन, लुक्ड एट एवरीथिंग फॉर अ विन विन सिचुएशन, विल दिस आवर हेल्प और हर्ट, टाइम स्पेंट डिप्रेस्ड इज इक्वल टू हर्ट, टाइम हैविंग फन इज इक्वल टू हेल्प। ये बहुत बढ़िया है उन्होंने लिखा है जो आप समझ गए। टाइम विद नेगेटिव पीपल इज इक्वल टू हर्ट, टाइम विद पॉजिटिव पीपल इज इक्वल टू हेल्प। हमारे ग्रुप में क्या है, पॉजिटिव पीपल है हमारे ग्रुप में, लोग फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ही चालू रखना। हमारे ग्रुप में अगर आपको कोई भी ये नहीं मिल रहा है मतलब, तो आप मुझे पर्सनली भी चैट कर सकते हो। He attended a lot of clinical trials, went to museum, NASCAR car racing में भाग देखने गए, Billy Graham with family members, clubs, enjoyed everything, no matter what. उन्होंने change किया analytical thinking to adaptive thinking में, philosophical theological thinking में। वो engineer थे,
तो इंजीनियर ओवर थिंक करते हैं ना, तो वो हर्टिंग होता है, और फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल होता है वो हेल्प करता है। तो हो सके उतना ट्राई टू कन्वर्ट योर सेल्फ इंटू थिंकिंग मोर इंटू स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल थिंकिंग। रिसर्च एटीट्यूड एंड ये क्या था? गो फॉर इट एटीट्यूड, ऑलवेज रिसर्च एट द बिगिनिंग। क्लिनिकल ट्रायल डॉट गव पे, गवर्नमेंट साइट पे जाके रिसर्च चालू किया। उन्होंने रिसर्च चालू किया कोएंजाइम Q10 पे, और उन्होंने वो भी स्टार्ट किया। कोएंजाइम Q10 सर्गियो ने भी बताया था, ये इन्होंने टोनी एम्बर लजरस भी ले रहे थे, और मंक मैनचेस्टर ने भी चालू किया। और कल उसके बारे में बहुत बड़ा रिसर्च मैं बताने वाला हूँ। तो प्रभु सर की होम्योपैथी के बाद ये कोएंजाइम Q10 के बारे में हो सके तो कल जुड़ना, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन करने वाला हूँ। और नहीं हो सके तो एक हफ्ता रुकना, वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। रुको, जरा सब्र करो। रिसर्च गट एंड स्टार्टेड टेकिंग प्रीबायोटिक्स, रियलाइज नीडेड टू फीड गट फ्लोरा इन एडिशन टू नेचुरोपैथ प्रोबायोटिक। अपने गट में ना बहुत सारे माइक्रोबायोम होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया। अभी बैड बैक्टीरिया बढ़ गए तो अपना गट हेल्थ खराब होएगा, उससे अपना ब्रेन हेल्थ भी खराब होगा, और न्यूरो बीमारी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इसके लिए अपने को प्रोबायोटिक लेना है। मैंने याकूल लेना चालू किया, आप कोई भी ले सकते हो प्रोबायोटिक। उन्होंने हैवी मेटल्स के बारे में रिसर्च किया, मर्क्यूरी के बारे में, लेड के बारे में, और हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को आर्सेनिक का ओवरडोज है। तो यू शुड स्टार्ट डिटॉक्सिंग दैट फर्स्ट। और जिनको जो भी ओवरडोज है हैवी मेटल का, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका नेचुरल सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, सबका अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन का सॉल्यूशन है। म्यूजिक, मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, ये सब कुछ चलता है। डायग्नोज, ये डायग्नोजिंग की तारीख है, ये 7 जुलाई 2011 को वो डायग्नोज हुए थे। फीडिंग ट्यूब स्प्रिंग 2013, टेकोस्टोमी अगस्त 2015, ब्रिंग 2015 से समर 2017 वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सोलिंग में तकलीफ थी, सांस लेने में तकलीफ थी, और बोलने में तकलीफ, नो मूवमेंट। देन स्मॉल मूवमेंट बिगिनिंग स्प्रिंग 2017 से थोड़ी थोड़ी मूवमेंट चालू है, मोर इम्प्रूवमेंट सेकेंड हाफ 2017 थ्रू 2018। वॉकिंग विद अ वॉकर विद असिस्टेंस फेब्रुअरी 2019, फीडिंग ट्यूब एंड ट्रेकोस्टोमी रिमूव मार्च 2019। मार्क का डायट, पैक फीडिंग ट्यूब स्प्रिंग 2013 अबाउट 2 साल आफ्टर डायग्नोसिस। अच्छा,
अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है तो आपको फीडिंग ट्यूब लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। आप फीडिंग ट्यूब लगाने के बाद भी मुंह से खा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जनवरी 2014, डेयरी फ्री स्टार्टेड मिनिमाइजिंग ग्लूटेन एडेड प्रोटीन शेक। आप लोग भी प्रोटीन शेक लेना चालू कर दो, ग्लूटेन को हो सके उतना कम करो, गेहूं कम करो, जवारी और बाजरी बढ़ाओ, डेयरी को भी कम कर दो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। नीडेड टू यूज फीडिंग, उनको मुंह से खाना खाना तकलीफ बढ़ जाए, उन्होंने फीडिंग ट्यूब से खाना खाना बढ़ जाए। यूज बोलस फीडिंग बाय सीरिंज, स्टार्टेड कैंगारू पंप और ऑटोमेटेड नाइफ फीडिंग थ्रू बैग। यूएस में बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई, लिक्विड ऑफ देन स्विच टू गेट पम्प। ये है ना, ये मील है, लिक्विड ऑफ और गेट पम्प एक ब्रांडेड मील होते हैं। ये मेडिकेयर वहां पे कवर्ड है, इंडिया में कुछ भी कवर्ड नहीं है, अपने को सब कुछ अपने जेब से देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। उन्होंने एज कंप्लीट चालू किया, सप्लीमेंट चालू किया, एवोकाडोस, ब्लैक सीड ऑयल और अदर बहुत दूसरी बहुत सारी चीजें चालू की। आजकल वो इलीना मील खा रहे हैं रेगुलर, बैलेंस प्रोटीन, वेजिटेबल का कार्ब्स, फैट, ग्लूटेन फ्री और डेयरी। उनका जो फेज है, पहले रिस्टार्ट द गट 3 मंथ मिनिमम, मोर इफ नीडेड। मार्क ने बहुत साल किया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। मेक श्योर दैट वी हैव प्रॉपर बाउल मूवमेंट, मतलब आपने वो टॉयलेट रेगुलर प्रॉपर आना चाहिए। लेट गो ऑफ टॉक्सिन्स 1 महीना, हेवी मेटल पे पेस्टिसाइड और रेडिएशन से दूर रहना, इसको डिटॉक्सिफाई करना। लिम्फेटिक एंड पैरासाइट 1 महीना, और बैलेंस है ऑनगोइंग, अभी भी उनका हेल्थ चल रहा है ऊपर नीचे। ये वो एक होल करके कंपनी है, उसके बारे में बता रहे हैं। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अपने को इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी उन्होंने गट को हील कैसे किया, जनवरी 2014 में नेचुरोपैथ से मिले और फुल सप्लीमेंट का प्रोटोकॉल चालू किया। विटामिन सी एज वाइटल ग्रीन, 4 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ट्रेस मिनरल एंड एडेप्टोजन। अभी हमारे 5G में ट्रेस मिनरल्स, सभी प्रकार के ट्रेस मिनरल्स हैं। एज सिनामिड डी हेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड शुगर, बावल, एनीमिया। हमारे 5G में वो भी है, गिंको बिलोबा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। एज प्रोबायोटिक आएगी, मैं तो प्रोबायोटिक में अभी याकूल ले लाऊं, याकूल ले रहा हूँ। एज मेगा ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9,
ये तो और भी आगे निकल गए। मैं अभी तक ओमेगा 3 सीज और 9 ही ले रहा हूँ, वीक में एक बार ही लेता हूँ। मूड स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट, ग्लोन एंड गट हेल्थ, एंटी इंफ्लेमेटरी, एस फ्लेक्स भी है, ये आप गूगल कर लेना। एज एडेप्टेबल मूड इंक्लूड जॉन सेंट जॉन्स वॉर्ट, बाउल मूवमेंट स्टिमुलेटर एज नीडेड, फ्रॉम नेचर सनशाइन इन 2014, नाउ यूजिंग फास्ट। एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं, डिफ्यूज एज काम बैलेंस, लिफ्ट क्लैरिफाई, अप्लाइड एज काम बैलेंस, ग्रेप सीड ऑयल, एडिशन एज एक्सेंट, माइंड आइज रेस्पिरेशन, कंटेन्स 21 एमिनो एसिड, एज रिन्यू स्ट्रेस, काम माइंड एंड बॉडी, स्लीप, लिवर प्रोटेक्शन, एज कंप्लीट, नवंबर 14, प्रोटीन चेक फ्रॉम रियल फॉर्म, ब्रॉड बेल्ट टू चेंज गेम दिमाग मैंने। उन्होंने फंड रेजिंग भी चालू किया 2014 से, फ्लोरिडा बीच भी जा रहे हैं। और फेज वन में उन्होंने अपना माइंड भी हील करना चालू किया। आप संडे रिकॉर्डिंग देख ले सकते हो, अगस्त 2 2020 का, ये उनका पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के बंदे हैं, वो रेगुलर प्रेयर करते थे, मेडिटेशन करते थे और म्यूजिक सुनते थे। वापस उनकी तबीयत डिक्लाइन पे हो गई, उनका जो प्रोग्रेशन था वो डिक्लाइन स्लो हो गया। मार्क बेल द सप्लीमेंट्स वाज स्लोइंग इज डिक्लाइन इनफ टू कंटिन्यू टेकिंग द इवन विद सप्लीमेंट्स कंटिन्यू टू वर्सन इज हेल्थ। Both these and Mark Belt supplements were important for overall at least doing something. It takes time to heal. थोड़ा आप ध्यान रखो कि आपको हील होने में टाइम लगे। टॉक्सिन से दूर रहना सीखो। दो हजार पंद्रह में चैलेंजेस आए उनको, उन्होंने 2015 में कोई मेजर इवेंट नहीं होस्ट किया, उनको ब्रेक चाहिए था और गेम्स और लंचेस अटेंड कर रहे थे। दो हजार पंद्रह में अगस्त में वो 24 घंटे नेजल पिलो पे थे। टेकोस्टॉमी आफ्टर ब्रीदिंग गॉट मच वर्थ ओवर समर। टेकोस्टॉमी में उनका तबीयत और भी डाउन हुआ, ये उन्होंने और भी दो सप्लीमेंट ऐड किए, ये एज एमिडॉक्स और एज गुड वाइब्रेशन। 2016 में उन्होंने एडजस्ट किया, एडजस्टेड टू ट्रैक, मतलब अपना ब्रीदिंग को ट्रैकोस्टोमी के साथ प्रॉपर एडजस्ट किया और बैलेंस किया ब्रीदिंग को। उन्होंने होस्ट किया मार्क मेंडस एंड मैनचेस्टर प्रोजेक्ट में, मार्क के ब्रदर और उनकी डॉटर के हेल्प से उन्होंने ये चालू किया। दिसंबर 2016 में उन्होंने दिसंबर 2016 में उन्होंने एज क्लियर एज इम्यून सिस्टम, साइनस एंड रेस्पिरेटरी इश्यू, म्यूकोसिस्टेस पड़ा,
एज क्लियर से ये सब ठीक हुआ। एज एक्सेल हैज बीन स्टार्टेड विच आल्सो हेल्प विद बैलेंस और बिजी बेल्ट को ये हेल्प किया है, लिम्फ ड्रेनेज में भी हेल्प किया, बैलेंस है मशरूम। ये लायंस मेन करके एक ग्रुप में लोग डाल रहे हैं ना, लायंस में वो भी एक प्रकार का मशरूम है। It has helped neuro IM, it has strengthened the nerve tissue, stimulates blood flow to the brain and central nervous system. October 2016 में उन्होंने एल्सेरीन चालू किया। एल्सेरीन में help with production of serotonin, muscle improve mood, focus, concentration, brain, nervous system and immune system. 2017 में मतलब 4 महीने में, एल्सेरीन लेने के 4 महीने के बाद उन्होंने नोटिस किया इम्प्रूवमेंट ऑफ स्वॉलिंग विद इन अबाउट 2, यहाँ पे 2 महीना लिखा भाई, आपको गिनने नहीं आता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीना हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने मार्च 2017 से लीप चालू किया। आपने लोगों ने देखा होगा ग्रुप में भी लोग लिख रहे हैं लीप टू बी फिट, मैं खुद ले रहा हूँ लीप टू बी फिट अभी, आई थिंक 6 महीना होने को आया। स्टार्टिंग लीप वंस टू पर डे इनकरेक्टली विद मील्स, मतलब मील्स के साथ नहीं लेना। ये लीप को अपने को मिल के 2 घंटे पहले या 2 घंटे के बाद लेना, इसके लिए उन्होंने लिखा इनकरेक्टली विद मींस। मई 2017 में उनको उनके पैरों के उंगलियां और टोज हिलने लगे। पीटीओटी फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच थेरेपी स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। 2017 जुलाई में कुल टू गैस पेडल विद फुट देन लेटर विद लाइक, मतलब 2017 में उन्होंने गाड़ी का गैस पेडल दबाना शुरू किया, उसके बाद पैरों से भी कर रहे पा रहे थे। उस टाइम पे वो ट्राई कर रहे थे खड़ा होने को और वॉक करने को। अच्छा, उनकी बेटी का शादी था तो उस टाइम पे क्रिश्चियन में आता है ना, बेटी को पिताजी लेके आते हैं वो आयल, तो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने अपनी बेटी को आयल में शादी के लिए लेके आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अचीवमेंट बाय मार्क मैनचेस्टर। ये पिता वो क्रिश्चियन लोगों में पिताजी का सपना होता है कि अपनी बेटी को आयल से लेके आए और वो पोडियम पे लेके आए, फिर वो क्रिश्चियन लोगों की विधि से उनकी उनकी बेटी और उनके जमाई की शादी हुई। Did experiment with breath on his own and noticed small improvement. Very important. हर एक बंदे को अपना एक्सपेरिमेंट करके अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से उतारना है। December 9, 2017 अपने डॉटर की वेडिंग में उन्होंने प्रैक्टिस किया अपनी ब्रेथ को होल्ड करने में। वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2 स्टेप्स आगे चले। वेरी गुड।
उन्होंने जनवरी 2018 में उन्होंने फ्लोरिडा मूव कर दिया फुल टाइम के लिए। ही फाउंड लोकल डॉक्टर फेब्रुअरी या मार्च 2018 में उन्होंने लीप चालू किया, एल्जेरिन को जो मात्रा कम किया और लीप का मात्रा बढ़ा। खाली पेट पे लेना चाहिए लीप। आप सबको बताना चाहता हूँ हमारी टीम लीप के ऊपर भी रिसर्च कर रही। जल्द से जल्द हम लीप को अल्टरनेटिव इंडिया में लेके आएंगे। मई सितंबर 2018 मई टू सितंबर रियल इम्प्रूवमेंट दिखा। इट वॉज अ वेरी ट्राइंग टाइम। मार्किन आउट ऑफ हॉस्पिटल, वो 6 बार गए थे हॉस्पिटल में मई और सितंबर के लिए। प्रोस्टेट इन्फेक्शन मेडिकल मिस्टेक। इस समय मार्क सब कुछ ले रहे थे। आईसीयू नर्स ने मार्क के मसल टोन में 2 महीने में बहुत फर्क देखा और पीडीओडी और एसटी से भी फर्क पड़ने लगा। सॉरी, जुलाई में मार्क अपना स्ट्रेंथ चेक करने लगे विद एटलस जो एलएस क्लिनिक में होता है। तो बाय द वे वी आर ऑल्सो प्लानिंग, ईलिंग एम एंड इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च एम एंड वर्ल्ड फर्स्ट एम एंड क्लिनिक इन इंडिया। हम बहुत जल्द एम एंड क्लिनिक इंडिया में पहले एम एंड क्लिनिक लेके आने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट इन मेजरमेंट ओवर टाइम इन अगस्त सितंबर नोटिस इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। उन्होंने ये मैरिजुआना कार्ड मतलब अपना जो है ना ये अपना सीबीडी ऑयल और टीएचसी के लिए अपने को परमिशन लेना पड़ता है। अपने को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, वहां पे उनको मैरिजुआना कार्ड लेना पड़ता है। He was starting to move, nurse would roll him over and notice he was helping. अगस्त में उन्होंने अपना बॉडी मूव करना भी शुरू किया। मतलब अगर नर्स हेल्प कर रही थी तो वो अपने हिसाब से भी थोड़ा मदद कर रहे थे अपने बॉडी को रोल ओवर करने में। नवंबर 2018 में उनका एफवीसी बहुत इम्प्रूव हुआ और न्यूरोलॉजिस्ट को चाहिए था कि वो धीरे धीरे इसको निकाल दे। कैनबिस उनको हेल्प किया एंजाइटी में। जब ये उन्होंने वेंटिलेटर में से बाहर सांस लेने में ट्राई किया तभी कैनबिस ने उनको बहुत मदद की। दिसंबर 2018 में उन्होंने पैसिव ईयर वाल लगवाया जिससे वो बोल भी सकते हैं। वो तो एंजाइटी उनका बढ़ गया, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे मुंह से और नाक से। लीजा ने उनके ट्रैक को हील कर दिया यूजिंग नेजल पिलो एंड प्रैक्टिस ब्रीथिंग थ्रू माउथ एंड नोज। मतलब ये थोड़ा रिस्की है तो उन्होंने अपना उसका ट्रैक को बंद कर दिया और उसको बोला है तू भाई मुंह से और नाक से ब्रीदिंग करना चालू कर। दो हजार उन्नीस में उन्होंने सिस्टर सिटीज चालू की। 2019 मार्च में उन्होंने की सर्जरी हुई। फीडिंग ट्यूब और ड्रैग को निकाल दिया।
वेरी बिग अचीवमेंट। आप पढ़ रहे हो, उन्होंने ट्रैकोस्टॉमी और विनिंग ट्यूब निकाल दिया, वेरी बिग अचीवमेंट। मार्क डिड वेरी वेल एंड ही कुड ब्रीथ एंड ही वेरी गुड। ये वो ड्राइव ब्रशिंग कर रहे थे जस्ट बिफोर द शावर, लाइट मूवमेंट इजीली, हफ्ते में 3 बार 5 मिनट तक, विच कैन हेल्प स्टिमुलेट द लिम्फेटिक सिस्टम। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। जो सप्लीमेंट ले रहे थे वो कैनबिस ऑयल, सीबीडी, टीएचसी, जी बगदौन। मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था, मैं आपको बताया था ना हिमालयन बेरी जी बगदौन जूस, ये मैं भी ले रहा था। B12 shots, methylcobalamin, ये हमारे 5GX में है। मैग्नीशियम भी है हमारे 5GX में। मेलाटोनिन फॉर स्लीप, बैक्लोफेन वेरी लो डोज, क्लोनाडिपम फॉर मसल रिलैक्सेशन, एसेटाल्टो प्रोफाइलेक्टिक फॉर क्लॉट, न्यूडेक्सा, लेक्साप्रो, जिंगुलर, जाइजर, टेम्प्टुलोसन, गार्डन इन 2015 एंड यूज वोल्केनो टू बेथ, टू अबाउट ट्वाइस अ वीक, नॉट रेगुलर। 2017 में उनको कैनबिस का प्रिस्क्रिप्शन मिला और तब से Charlotte Web in 2020. Again, restart the gut. Phase 1, phase 2, let go of toxin. Phase 3, lymphatic and parasite. Phase 4, balance them. Modify according to your need. Harika immunity alag hota hai. Everyone is different. So make sure you do whatever is suitable for your health. Dhyan mein rakhna. Phase 1, restart the gut. Phase 2, let go of toxin. Very good. In other words, you have to do things that जो आपको वही करना है जो आपका रिसर्च और आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड करना। मैंने बोल दिया 5GX लो, उसका मतलब यह नहीं कि 5GX लेना ही है। 5GX लेने से फायदा होता है तो लो आप लो, लेकिन उसके लिए पहले लेना तो पड़ेगा ना एक बार। और फूड सप्लीमेंट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी मार्क की लाइफ प्रॉपरली बैलेंस्ड है। ये लीजा और के चेरी है। के हस्बैंड किम को भी होता और किम को भी उन्होंने रिवर्स किया है। मैं हो सकेगा तो मैं अगले हफ्ते में के चेरी का भी प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा, के एंड किम चेरी। ज्यादातर सब कुछ सेम ही। चलो थैंक यू। अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी कल जो मैंने बारे में बताया, जो अपना टोनी एम्बर लाजारस है, वो अकेला बंदा था, अकेला था टोनी एम्बर, अकेला था। उसके पहले परसों बताया वो सर्गियो धकेला था, सर्गियो धकेला
रोनी एम्बर अकेला, लेकिन मार्क उसको हेल्प किया लीजा ने, मतलब अपने को उन्होंने प्रॉपरली हेल्प किया लीजा ने तो मार्क जीत गया तो अपने को वही ध्यान रखना है कि अपने को जो हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा हो, छोटे छोटे पॉसिबल बेनिफिट देखो टू गेट स्मॉल स्मॉल बेनिफिट। और आप लोगों में से किसी को कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी। एनीबडी किसी को कोई सवाल है? ओके कल के बारे में बता दूं, कल डॉक्टर प्रभु को आज होम्योपैथी के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आपको बहुत इम्पोर्टेंट हमारे ग्रुप के डिसीजन के बारे में बताऊं, तो कल का सेशन मत भूलिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और आपको कोई भी सवाल हो देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली या ग्रुप में भी लिख सकते हो, हो सके उतनी पॉजिटिविटी ग्रुप में बढ़ाई है, और कोई भी फॉरवर्ड मत कीजिए अपने ग्रुप में मैसेज। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।